हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं अमेज़ॉन की 5 गाउन का। जो पिक्चर में दिख रही थी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट गाउन है और ट्रेंडी भी है और सबके प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने मंगाई थी और ये पूरी 5 गाउन रिसीव हो गई हैं। अब इनको एक एक करके देखेंगे कौन सी गाउन कैसी आई है। तो चलो चालू करते हैं अपने पहली गाउन से। तो हमारी पहली गाउन है ये वाली, को खोल कर देख लेते हैं कि हमें आई कैसी है। ठीक है, ये वाली जो गाउन है इसका कपड़ा सीफॉन है, थोड़ा सा मिक्स टाइप का लग रहा है। ये देखो कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था मीडियम है तो मीडियम ही आया है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बड़ा है तो सही, तो इसमें बांधने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से पीछे दे रखे हैं। तो इससे अगर लूज़ होगी तो हम इसको एडजस्ट करके देख लेंगे। पूरा इस तरीके से प्रिंट है इसका और ये वाला प्रिंट पिक्चर में सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी स्लीव्स थोड़ी सी यूनिक है, तो ये पफ्ड स्लीव्स हैं और यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी की इलास्टिक है। और इसमें जो अस्तर लगा हुआ है उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लग रही है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जो ऊपर का कपड़ा है उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो अस्तर बोलेंगे, इसको जो लाइनिंग बोलेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। बाकी इस गाउन का ओवरऑल लुक ये है और इसमें घेर भी काफ़ी सारा है। ठीक है, इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है 669 रुपीज़, जिसमें हमें सिर्फ ये गाउन मिली है और इसका फ्लेयर वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो चलो इसको वेयर करके देखते हैं कि पहनने के बाद कैसी लगेगी। तो ये आया है इस वाली गाउन का लुक, नेक कुछ इतना आया है। जैसे मुझे देखने में लग रही थी कि ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पहनने के बाद ये अच्छी लगी और इसका जो लाइनिंग है वो भी कंफर्टेबल लग रही है। स्लीव्स कुछ ऐसी आई हैं तो अच्छी लग रही है, पिक्चर जैसी ही लग रही है। एग्जैक्ट तो नहीं लग रही है, बट हाँ थोड़ा सा मैच कर रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज आ रही है, तो मैंने यहाँ पे दो बद्दियाँ दे रखी थी स्ट्रैप्स, मैंने उनको बांध कर पहना है, तो थोड़ी सी फिट ये लग रही है। बाकी तो ये पूरी लूज है और इसका जो पैटर्न वगैरह है वो भी अच्छा लग रहा है। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी आई है, ये देखो, और इसका घेर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब लग रहा था देखने में कि अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पहनने में मुझे अच्छी लगी, कंफर्टेबल लगी और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगी। बैक दिखा लेती हूँ मैं, ये इसका बैक है। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रैप्स बांधी हैं तब जाके ये मुझे फिट आई है। तो बाकी पूरा इसका ये लुक है, एक ही प्रिंट में है, नीचे लाइनिंग है। हमारी जो नेक्स्ट गाउन है वो ये है, इसका डार्क मरून कलर है। इसको, इस कलर को पता नहीं कुछ और भी बोल सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी पिक्चर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी दिख रही थी और लुक वाइज भी देखो बहुत प्यारी दिख रही है। इसका कपड़ा भी सीफॉन लग रहा है मुझे, और ये देखो इसका नेक कुछ ऐसा है और इसमें लेस लगी हुई है। ये जो लेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, गोल्डन कलर की लेस है और साथ में यहाँ पे लटकन दे रखे हैं। और इसका जो नेक का पैटर्न है कुछ ऐसा वाला है और स्लीव्स इसकी 3/4 है, स्लीव्स में भी लेस लगी हुई है। पूरी कुर्ती में लाइनिंग लगी हुई है, जो कि लाइनिंग का कपड़ा भी बहुत अच्छा है जो कि सिल्क है, और ऊपर का कपड़ा इस कुर्ती का सीफॉन है। ठीक है, और ये इस तरीके से है इसका फ्रंट लुक। और इस कुर्ती में, सॉरी कुर्ती बोल रही हूँ, इस वाली गाउन में घेर भी बहुत सारा है। ये देखो काफ़ी घेर वाली गाउन है और पूरा इसमें जो लाइनिंग है वो पूरी ये सेम कलर की और पूरे नीचे तक है इसकी लाइनिंग, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैंने जो साइज़ मंगाया था वो स्मॉल है, तो स्मॉल के हिसाब से ये सही लग रही है। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। तो चलो इस, एक मिनट, प्राइस नहीं बताया, इसका प्राइस बता देती हूँ। हाँ, और इसका प्राइस है 495 रुपीज़। तो 495 रुपीज़ के हिसाब से ये मुझे अच्छी लगी, तो चलो इसको वेयर करके देखते हैं कि पहनने के बाद कैसी लगेगी। तो ये वाली गाउन कुछ ऐसी लग रही है, इसकी कपड़ा क्वालिटी सब कुछ अच्छी आई है, जैसी पिक्चर में दिख रही थी एग्जैक्ट सेम आई है और कहीं से चुभ भी नहीं रही है। इसका नेक कुछ ऐसा आया है, बहुत प्यारा लग रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है लेस वगैरह की, और ये देखो लटकन कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लुक बहुत अच्छा आया है इनका। साथ में इसमें गोल्डन वो है, लेस लगी है तो और अच्छे लग रहे हैं। और साथ में इसका घेर देखो, काफ़ी अच्छा घेर आया है इस वाली गाउन में, तो घेर तो काफ़ी अच्छा है, घूमने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसकी लंबाई देखो एग्जैक्ट आई है 5/2 के हिसाब से, अगर आप लंबे हो तो थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी इसकी स्लीव्स का लुक देख लो, स्लीव्स कुछ इतनी आई है, 3/4 आई है, और स्लीव्स में भी यहाँ पे एक लेस लगी हुई है, बाकी स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है। ठीक है, ये तो इसका पूरा लुक है, आप देख लो कैसी लग रही है, कलर वगैरह सब कुछ अच्छा आया है। बाकी मैं आपको बैक दिखा देती हूँ कि बैक कैसी लग रही है। तो ये इसका बैक का लुक आया है, बैक भी
एकदम प्लेन है तो कुछ बोले लायक है नहीं, बाकी ये इसका पूरा हेयर है। मुझे तो अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी नेक्स्ट गाउन है, ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी दिख रही थी, और देखते हैं मिली कैसी है हमें। ये बिल्कुल डार्क ग्रीन की है, मेहंदी वगैरह में ये बहुत जचने वाली है। इसका लुक थोड़ा सा यूनिक है। जो फ्रंट कपड़ा है वो सीफॉन है, और इसमें इस तरीके की जो लेस नहीं है, ये थ्रेड वर्क हो रखा है जो कि अच्छी क्वालिटी का थ्रेड वर्क लग रहा है। इसका फ्रंट का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसके इस तरीके से कट शोल्डर हैं, कोल्ड शोल्डर बोल सकते हैं। और ये इसकी स्लीव्स थोड़ी सी यूनिक है, इतनी फ्लेयर वाली स्लीव्स हैं और यहाँ से कटी हुई हैं, इस तरीके से कटी हुई है जो कि पहनने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें भी थोड़ी सी लाइनिंग लगी हुई है, और लाइनिंग का कपड़ा भी इसका सिल्क है जो कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। इसकी स्टिचिंग वगैरह भी अच्छी हो रखी है, और इसमें देखो इसमें भी काफ़ी सारा घेर है, और नीचे ये पूरी ड्रेस नीचे प्लेन है। इस ड्रेस में जितना भी वर्क है वो सब ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग है वो भी पूरी नीचे तक है, मैं दिखा देती हूँ। थोड़े से लाइट कलर में है, सामने से देखने के बाद समझ में नहीं आ रही कि लाइट कलर में है। बाकी पूरा इसका ये फ्रंट लुक है, और ये इसका बैक लुक है। इसका प्राइस पड़ा है मुझे 499 रुपीज। तो चलो पहन कर देखते हैं कि कैसी लग रही है। ऐसे दिख रही है ये वाली गाउन, पहनने के बाद भी मुझे कंफर्टेबल लगी, और फिटिंग तो इसकी देखो बहुत ज्यादा प्यारी आई है। जैसे मैंने अपना नाप देके इसको स्टिच कराई हूँ, इतनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। इसकी लेंथ कुछ इतनी आई है, तो मुझे तो थोड़ी लंबी है, मेरी हाइट जिस हिसाब से 5'2" है। और ये इसकी पूरी और नेक की डिजाइन है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो इसके शोल्डर कुछ इस तरीके से कट में आए हैं, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आए हैं। स्लीव्स इसकी कुछ ऐसी है यूनिक लुक में, तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। ओवरऑल ये गाउन का लुक कुछ ऐसा है, परफेक्ट आई है, फिट वाइज कंफर्टेबल भी है, क्योंकि इसका कपड़ा सीफॉन है तो कहीं से चुभ भी नहीं रही, तो बहुत कंफर्टेबल भी है। प्राइस के हिसाब से मुझे तो सही लगी, मेहंदी वगैरह के फंक्शन में ये बहुत सही जाएगी। तो ये इसका फ्रंट लुक है, इसका बैक भी देख लो, ये इसका बैक लुक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा यूनिक पैटर्न में है, थोड़ा साड़ी लुक में है, साड़ी प्लस गाउन लुक में है। अब देखते हैं आई कैसी है, ठीक है। ये इसका पूरा है, इसमें एक दुपट्टा अलग से है, मुझे लग रहा था स्टिच्ड है बट अलग से है, साथ में एक बेल्ट भी है। और ये है गाउन, गाउन है, गाउन पूरी प्लेन है, बस इसमें जो फ्लावर वर्क है वही हो रखा है, बाकी पूरी गाउन प्लेन है, और काफ़ी अच्छा घेर दे रखा है। मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था वो मीडियम है। इसका जो ऊपर वाला कपड़ा है वो सीफॉन, इसकी जो स्लीव्स है ना वो फुल आएंगी, स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है, और पूरा देखो इसमें घेर भी काफ़ी सारा है। इसके साथ दुपट्टा दे रखा है जो कि हमें साड़ी टाइप रैप करना पड़ेगा। ये काफ़ी लंबा सारा दुपट्टा है, ये देखो काफ़ी चौड़ा भी है, और साथ में इसमें एक बेल्ट दे रखा है जो कि ये है। बेल्ट की क्वालिटी ठीक है, बेल्ट के ये एक लेस है जिसमें कपड़ा अटैच कर रखा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि हमें ये ओवरऑल कैसी लगी। तो ये आया है इस वाले गाउन का लुक, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है। मुझे इसका जो गला है ना थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। बाकी इसका जो लुक है कुछ ऐसा आया है, और इसकी जो दुपट्टा था मैंने साड़ी स्टाइल में उसमें पहन के दिखाया था, तो मैंने कुछ इस तरीके से पहना है। ये देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है साइड से, और बैक से कुछ इस तरीके का दुपट्टा, मैंने इसको बेल्ट था ना वहाँ पे उसको अटैच कर दिया, तो इस कुछ इस तरीके से आया। जो दुपट्टा दिया है उसको बांधने के लिए यहाँ पे ये लेस तरीके की दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, एडजस्ट कर देती है हमारे लिए दुपट्टे को। और यहाँ पे हमें पिन लगा के पहनना पड़ेगा, मैंने सिंपल प्लेट्स लगा के इसको साड़ी की तरह डाल लिया है। और ये इसका पूरा घेर आया है, घेर भी काफ़ी अच्छा है इस वाली गाउन का, काफ़ी अच्छा घेर आया है, और लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे तो बहुत नीचे आ रही है। गाउन का लुक ये है, स्लीव्स कुछ ऐसी आई हैं, थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं, थोड़ी फिटिंग की होती तो ये ज़्यादा अच्छी लगती, बट फिटिंग कराना पड़ेगी। कपड़ा की क्वालिटी, कलर वगैरह सब कुछ अच्छा आया है, और अस्तर भी इसका जो लाइनिंग थी वो भी नहीं चुभ रही, कंफर्टेबल लग रही है। तो ओवरऑल मुझे ये अच्छी लगी, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगी। बस एक दिक्कत है कि अगर फिटिंग की होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी ठीक है, ले सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखिए। तो गाउन है वो ये है, देखो पिक्चर में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका प्राइस है 495 रुपीज, तो ठीक है 495 रुपीज के हिसाब से देखते हैं कैसी आई है ये।
तो ये इसका गाउन का लुक है और बहुत ही बेकार इसका कपड़ा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। मतलब मेरा इस गाउन को रिव्यू करने का मन नहीं हो रहा, और क्या ही मैं बोलूँ। इसका जो कपड़ा है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत लो क्वालिटी का कपड़ा है। बाकी डिज़ाइन भी एकदम डिफरेंट है जैसे पिक्चर में दिख रहा था। देखो स्लीव्स उसकी कितनी स्टाइलिश थी, बट इसकी एकदम प्लेन स्लीव्स दे रखी हैं। पता नहीं क्यों ऐसा इस बार अमेज़ॉन के साथ हुआ, बाकी होता नहीं है कभी। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी कपड़ा क्वालिटी बहुत बेकार है और जैसे पिक्चर में दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार इसको पहनकर और देख लेते हैं कैसा लगेगा। और 500 रुपये के हिसाब से तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आजकल 500 रुपये में बहुत अच्छा कपड़ा आ जाता है, भले ही वो गाउन ही क्यों ना। चलो इसको पहनकर और दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसी लगेगी। पता है इस वाली गाउन के साथ क्या हुआ, इसका कपड़ा तो बेकार है ही, बहुत बेकार कपड़ा आया है इसका। और जब मैंने इसको ट्राई करके दिखाने पहनने की कोशिश करी, तो मैंने इसको यहाँ नेक से पहना, लेकिन इसका नेक इतना छोटा है ना कि मुझे यहाँ से नीचे वो गया ही नहीं। मैंने काफी कोशिश करी कि चलो खिंच के चला जाए, कपड़ा तो स्ट्रेचेबल है नहीं कि खिंच के चला जाएगा, तो वो खिंच के नहीं गया। वहाँ पे जो बटन की डिजाइन दिख रही है ना, वो सिर्फ डिजाइन ही है, वो ओपन नहीं होती। बाकी देखो ब्रेक भी हो गया, मैंने इसको पहनने की कोशिश करी तो ये मेरे को पहना ही नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नेक। इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आप इस वाली गाउन को अगर लेना चाह रहे हो, पहले से देख रहे हो, तो बिल्कुल मत लेना। देखो मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये नेक में फंस रहा है। इतना ही खींच लूं, ये पूरी ताकत में लगा रही हूँ, ये अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो सिर्फ फटके ही जाएगा। ठीक है, ये लास्ट थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये थी आज की हमारी Amazon हॉल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरे गाउन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।